जी, आज जब विशेष सत्र शुरू हो गया, दो तीन दिन से मैं देख रही हूँ यहाँ पे अच्छा माहौल हो गया है। पहले दिन हम वहाँ पे फोटो हुए, सब कुछ हुआ, बहुत सेरिमोनियल सब रिसेप्शन हुआ। लेकिन दो दिन से मैं यहाँ देख रही हूँ बड़े 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 फिल्म बॉलीवुड के, हमारे मुंबई से आके बॉलीवुड की अभिनेत्रियाँ यहाँ पे दिख रही है मुझे, और कभी ऐसे पूरा पहले हुआ नहीं था। और उनको फोटोग्राफ किया जाता है, उनका फोटो सेशन होता है, हमें उनको लाने के लिए कोई मना नहीं है। लेकिन जब लाते हो तो उसका सिर्फ अपना फायदा मत करे। हमारे सामने जो मंत्री जी बैठे हैं उनका फोटो मैंने कल देखा, मिठाई खिला रहे अभिनेत्रियों को। तो अरे, आपको मिठाई भी खिलानी है तो जिनका हमें जम्मू कश्मीर में शहादत दिए उनके घर जाओ, उनके घर के आंसू पोंछने की कोशिश करो। मणिपुर में जाओ, मणिपुर के महिलाओं को जब नग्न किया जाता है और उनको जब एक बलात्कार किया जाता है, उनके लिए आपके मन में कोई संवेदना नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश को जब ओलंपिक के मेडल मिलवाने वाली हमारी जो महिला खिलाड़ी है, पहलवान है, उन महिला पहलवानों को आप घसीट के लेके जाते हो रास्ते से, और उनके लिए आपके यहाँ हमदर्दी नहीं। लेकिन आपको हमदर्दी है जो बॉलीवुड से आती है उनको खिलाओ, और वो भी महिला आती है मैडम, वो भी अच्छा आज जो वो भी आती है अपने फिल्म का प्रमोशन करती है मैडम। हमारा विरोध इसलिए नहीं कि वो आती है, उनको आने दो, लेकिन अपना प्रमोशन उन्होंने नहीं यहाँ करना चाहिए, और उसके लिए फोटोशॉपिंग होता है, पत्रकार आते हैं, वो नहीं होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि जब आपने हमें मैं चेयर कर रिस्पेक्ट की वजह से आपको कुछ कह नहीं रही हूँ। आपने जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे दी, और कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर हम आ गए, तो मैडम मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में, जब मैंने देखा कि पार्लियामेंट क्या है, कि नए पार्लियामेंट में हम आए तो पार्लियामेंट क्या है समझ लें पहले, तो वहाँ पे पहला ही वाक्य यही है कि देयर शिल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नोन एज रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। कहा है हमारा पहला जो वाक्य है उसमें हमारे राष्ट्रपति जी कहा दिख रही है। तीन दिन हमारा ये समारोह हुआ, एक महिलाओं के लिए आप सेशन रख रहे हैं स्पेशल, और इतना हमारे एक आदिवासी महिला करते हैं आप, तो सिर्फ उनका यूटिलाइज करते हो क्या? द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना, द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना आवश्यक था, और वो अगर हो जाता तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये संघर्ष का प्रवास जो हमने किया है शुरू, जो मैंने बताया 86-89 से शुरू हुआ, और मैं चार लाइनें बताना चाहती हूँ कि ना किसी को गिराया ना खुद ही को उछाला, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे, वहाँ पहुँचे आप जहाँ पहुँचे आप छलांगे लगा के, आप जहाँ पे छलांगे लगा के पहुँचे वहाँ पहुँचे हम भी, मगर धीरे धीरे। बस डिलिमिटेशन हो गया मैडम, डिलिमिटेशन सेंसस हो नहीं हो इसके आड़े नहीं आना चाहिए, हमारे बिल के आड़े आना नहीं चाहिए, सेंसस नहीं आना चाहिए। और दूसरा, मैं और एक लास्ट में बात कहना चाहती हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट, ये जो बोलते कि हमने सब किया, मुझे लगता है इनको अल्जाइमर हुआ है, बीजेपी वालों को, उनको पहले कुछ याद ही नहीं आता है, 2014 के बाद कई सब याद आता है, या देवी देवता वैदिक काल याद आता है। तो मुझे ये लगता है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट आया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। महिलाओं की तरफ से बाबा साहेब अम्बेडकर जिनका नाम आज लेना हमें आवश्यक लगता है, कि अगर वो नहीं होते, कांग्रेस पार्टी नहीं होती, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा वोटिंग का अधिकार भी मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता और ऐसे भाषण देने पड़ते थे, उन्हीं के कारण हमें हमारा वोटिंग का अधिकार भी मिला है। इस देश को प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा जी दी है कांग्रेस पार्टी ने, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभाताई को दिया है, प्रथम स्पीकर मीरा कुमार को दिया है, और बीजेपी ने सिर्फ बताना चाहिए मैडम कि किसको उन्होंने किया है। अध्यक्ष कभी बीजेपी की महिला हुई है? आरएस की इसकी प्रमुख कभी महिला हुई है? ये जरूर बताना चाहिए, और इसको ये बता के उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ नहीं लेना चाहिए।
मी मराठी मध्ये फक्त दोन मिनिटं बोलणार. एकच मिनिट मॅडम झालं. तुमचं मराठी मध्ये एक मिनिटं बोलू दे, मला माझी भाषा येते. आज गणपती आणि महालक्ष्मी आहेत, गौरी आहेत आमच्याकडे, त्यामुळे आज गौरी येणार आहेत. तुम्ही आहेत महालक्ष्मी तर गौरी आज गौरी येणार आहे, त्यामुळे मला सगळ्या माझ्या बांधवांना आमच्या महाराष्ट्राच्या रीतीप्रमाणे तुम्हाला शुभेच्छा द्यायच्यात आणि गणपती बाप्पा मोऱ्या म्हणायचं आहे. आणि एकच सांगायचं की आमचा महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र हा जिजामाता होत्या म्हणून शिवबा तयार झाली. चांद बीबी होती, महात्मा फुले सावित्रीबाई फुलांच्या बरोबरीने लढत होत्या. रमाबाई आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर, ताराराणी, अहिल्याबाई अशी किती नावं आहेत आमच्याकडे की ज्या नावांना उल्लेख करून या देशाला आम्हाला फार मोठं सन्मान वाटतो. आणि त्यामुळे मला आज नारी शक्ती वंदन करत असताना मी आपल्याला एवढीच विनंती करेन की आम्हाला आमचं माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार द्या. आम्हाला देवता बनवू नका, देवी बनवू नका, लक्ष्मी बनवू नका, आम्हाला देवता न बनवता माणूस म्हणून जगायचा अधिकार द्या. आणि हे जे बिल आहे ते लवकरात लवकर इतकी 40% आमचे ह्याचे आहेत, कास्ट आहे आमच्या, तर ती कास्ट धरून OBC SC ST या सगळ्यांनी म्हणून ते बिल लवकरात लवकर पास करा. धन्यवाद, आपण मला वेळ दिल्यामुळे. जय हिंद.